कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेंध लगे। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपने सारे साधन झोंके और जो भी ब्रह्मास्त्र उनकी तुरीण में था सबको बाहर निकाल लिया। नतीजा ये हुआ कि खूब जम के वार किए गए। बारी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनकी थी। संदेश ये जा रहा था कि बीजेपी की एलजेपी यानी कि चिराग पासवान से मिली भगत है। यूं तो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहले भी बोल चुके थे, लेकिन चुनाव से दो दिन पहले ये कह करके कि एनडीए में सेंध लगाने का षड्यंत्र किया जा रहा है और ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देना है, उन्होंने चिराग पासवान पर सीधा वार किया। सुनिए उनको। कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेंध लगे। नीतीश कुमार जी को भला बुरा बोलेंगे और मोदी जी की तारीफ करेंगे। याद रखना, एनडीए एक है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी, यही एनडीए है। इसको हमको समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए का मतलब बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी है, इसके अलावा कोई नहीं, और ये नीति नहीं चल सकती कि नीतीश कुमार पे वार करेंगे और मोदी की तारीफ बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, और एनडीए में सेंध लगाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी, सीधा वार चिराग पासवान पे। उधर जो है तेगड़ा में जब नीतीश कुमार बोल रहे थे और बार बार तेजस्वी यादव एजुकेशन, रोजगार की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के उन पर वार किया और कहा कि पहले अपने बाप से पूछो, माँ से पूछो, 15 साल में कितने स्कूल खोले थे, फिर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे? कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर, यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है? अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करवाया और जो आपको बता दिया कितना इंस्टीट्यूशन और गरीब तबके के लोगों को आगे पढ़ाने के लिए, हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए की मदद कि इंटर के आगे पढ़ो, इसके लिए काम किया। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। तेजस्वी यादव भी आए मैदान में, उन्होंने कहा 50 रुपए किलो प्याज बिकती थी तो बीजेपी वाले माला पहन के घूमते थे, 80 से 100 रुपए किलो बिक रही है, बीजेपी वालों का पता नहीं क्या हो रहा है, ये कब तक चलेगा। और वहीं फिर जो है चिराग पासवान भी आग उगले, उन्होंने कहा कि यदि 7 निश्चय में गड़बड़ी मिलती है तो ये 3 दिन से वो रिपीट कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को भी जेल भेजने से वो नहीं हिचकिचाएंगे। साफ साफ कहा कि उनका जो शराबबंदी का प्रोग्राम था वो फेल हुआ है, घर घर में शराब की तस्करी होने लगी। खूब जम के वार पलटवार। रविशंकर प्रसाद जो है अलग तेजस्वी यादव पे हमला बोले कि आप जो है नया बिहार बनाने की बात कर रहे हो और अपने पोषण में अपने माँ बाप को लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, आखिर वो कौन सा कारण है, कैसा नया बिहार बनाने चाहते हो। तो ये आज वार पलटवार की राजनीति चलती रही, लेकिन जेपी नड्डा ने अंतिम हमला बोल करके तस्वीर साफ करने की कोशिश की है, बिहार के लोग समझें तब जो है कोई बात बने, अदरवाइज तो चिराग पासवान आक्रामक हैं और आक्रामक रहेंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और